हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। देखो, जो हमारे चैप्टर का नेम होता है उससे हमें पता चल जाता है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें दो टर्म दी गई है, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। अर्थ यानी कि वो प्लैनेट जिसके ऊपर हम रहते हैं। अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, जहाँ पे जीवन पाया जाता है। द सोलर सिस्टम, सोलर मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द सन। सोलर सिस्टम, सन फैमिली, सन की जो फैमिली होती है वो मिलकर फॉर्म करती है सोलर सिस्टम। अब सन की फैमिली क्या है? सन प्लस 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड्स, सैटेलाइट्स, ये सब के सब मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। अब हम इनके बारे में वन बाय वन जानेंगे कि ये सब क्या है और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है? देखो, हमने के जो इंट्रोडक्शन है वो देख लिया था। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में कि वो क्या होती हैं, सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड्स एंड मेट्रॉयड्स, हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। देखो, जब आप दिन में बाहर निकलते हो तो आपको आसमान में क्या दिखाई देता है? सिर्फ सूरज दिखाई देता है, चांद तारे तो नहीं दिखाई देते। आपने कभी सोचा है वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जो सूरज की लाइट होती है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है जिसकी वजह से हमें दिन में चांद और तारे नहीं दिखाई देते। पर जैसे जैसे शाम होती जाती है, सूरज ढलता हुआ जाता है, तो हमें आसमान में जो चांद और तारे हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई लाइक स्टार्स एंड मून आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमें रात को आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है? अब देखो, रात में जब आप देखते हो जो स्टार्स हैं उनका भी नंबर इंक्रीज होता है, पर जब आप मून को देखते हो क्या वो हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं, कभी वो आपको पूरा दिखाई देगा, कभी वो आपको आधा दिखाई देगा, कभी वो आधे से कम दिखाई देगा और कभी वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये जो मून है ये अपनी शेप जो चेंज कर रहा है इसे हम बोलते हैं फेजेज ऑफ मून। अब हम देखेंगे कि न्यू मून कब होता है और फुल मून कब होता है, ठीक है? देखो, ये सन है और हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो सन के चारों ओर घूमती है और जो मून है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रही है और मून हमारी अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है? तो जो फेज स्टार्ट होता है मून का वो स्टार्ट होता है न्यू मून से, जिसे हम बोलते हैं अमावस्या, और इसी टाइम पर सोलर एक्लिप्स भी होता है। तो ये कैसे होता है देखते हैं। जो ये सूरज है इसकी सनरेज आ रही हैं, किरणें पड़ रही हैं चांद के इस वाले हिस्से पे, क्योंकि जो चांद है वो गोल होता है, तो ये सनरेज क्या हैं, ये इस वाले हिस्से पे गिर रही हैं। और हम जो पृथ्वी पे यहाँ खड़े हैं तो हमें चांद का कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है? ये वाला। इस पे तो लाइट गिर ही नहीं रही, तो हमें आसमान में जो चांद है वो नहीं दिखाई देगा और इसे ही हम बोलते हैं न्यू मून या फिर अमावस्या, ठीक है? और अगर बाय चांस कभी दिखता भी है तो बिल्कुल हल्की सी ऐसी जो आर्क वाली जो लाइन होती है ये दिखाई देती है, अदरवाइज हमें दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद आता है वैक्सिंग क्रीसेंट फेज। वैक्सिंग क्रीसेंट क्या होता है? मतलब कि ग्रोइंग फेज। यहाँ पे जो चांद है यहाँ पे बिल्कुल कम दिख रहा था, यहाँ पे हमें थोड़ा सा और दिखने लग गया, ठीक है? उसके बाद आता है फर्स्ट क्वार्टर यानी कि हाफ मून। इसमें हमें क्या होता है, जो चांद है वो आधा दिखाई देता है। फिर आता है वैक्सिंग गिब्बस फेज। इसमें क्या होता है, जो चांद है हमें आधे से ज़्यादा दिखाई देता है। देन आता है फुल मून, जिसे हम बोलते हैं पूर्णिमा भी, ठीक है? इसमें जो क्या होता है, व्हेन मून अपीयर्स एज अ कंप्लीट सर्कल एंड फुली इल्यूमिनेटेड, तो इसे हम बोलते हैं फुल मून। हमें क्या होता है, जो चांद है वो पूरा दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं फुल मून या फिर पूर्णिमा भी। और इसी टाइम पे लूनर एक्लिप्स होता है।
क्यों होता है? क्योंकि यही वो टाइम होता है जिसमें जो चांद है वो पृथ्वी की बैक साइड में आ जाता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ से रोटेट कर रहा था ना चंदा मामा, ये यहाँ से ऐसे रोटेट करता हुआ अर्थ की बैक साइड में आ गया है, तो ये हो गया फुल मून। फिर आता है वेनिंग गिब्सन फेज, इसमें क्या है रिड्यूस होता चला जाता है चांद, यहाँ पे पूरा था ठीक है, यहाँ पे पूरे से थोड़ा कम दिखाई देने लगेगा। फिर थर्ड क्वार्टर आता है, इसमें फिर से हमें वो हाफ दिखाई देगा। फिर वेनिंग क्रिसेंट आता है, फिर हमें ये हाफ से कम दिखाई देगा, और देन फिर से न्यू मून हो जाएगा, बिल्कुल ही हमें दिखाई नहीं देगा, या फिर दिखाई देगा तो बिल्कुल ऐसे आर्क की तरह दिखाई देगा। तो ये सारे क्या थे, फेजेस ऑफ मून थे। अब इसमें कंफ्यूज मत होना न्यू मून और जो फुल मून है वो क्या होता है। न्यू मून कब होता है, जब हमें आसमान में जो चांद है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, जिसे हम अमावस्या बोलते हैं। और जो फुल मून है वो कब होता है, जो हमें चांद जो है जब आसमान में हमें पूरा दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा भी बोलते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, जिसे डाउट हो वो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग हॉट एंड मेड अप ऑफ गैसेस, जो कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, गर्म होती हैं और गैसेस से मिलकर बनी होती हैं। एंड हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट कॉल्ड स्टार्स, और उनकी अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, जिसे हम बोलते हैं स्टार्स। अब आपकी एक टर्म दी गई है कॉन्स्टिलेशंस। वेन डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म वेरियस पैटर्न्स, जब आसमान में डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, मतलब बहुत सारे तारे मिलकर जब आसमान में अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। उसका एक एग्जांपल है उर्सा मेजर और बिग बियर। उर्सा मेजर क्या है, ये एक कॉन्स्टिलेशन है, इसी को ही हम बिग बियर बोलते हैं, क्योंकि ये आसमान में क्या पैटर्न फॉर्म करता है, एक भालू की जो शेप है वो आसमान में बनाता है, ठीक है। पता चल गया कॉन्स्टिलेशन क्या है। अब जो ये उर्सा मेजर है या फिर जो ये बिग बियर है, इसका ही एक पार्ट है सप्तऋषि। जैसे ये भालू की शेप बनाई है बहुत सारे तारों ने मिलकर, और उसमें से ही एक पार्ट होता है सप्तऋषि। इसको हम आसानी से पहचान पाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो सात जो तारे होते हैं वो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, हमेशा इसी पैटर्न में मिलते हैं। जब सात तारे आपको ऐसे इस पैटर्न में दिख जाएं, तो इसका मतलब है कि वो सप्तऋषि हैं। और हमेशा जो इसका ये सातवां जो तारा है वो हमेशा हमें बताता है नॉर्थ स्टार, या फिर ध्रुव तारा जो होता है, पोल स्टार हम जिसे कहते हैं, उसकी डायरेक्शन को बताता है। जब भी हम यहाँ से देखेंगे ये तीन तारे और दिखाई देंगे, और जो बीच वाला जो तारा होता है वो होता है नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा, जो आसमान में हमें सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब जो ये नॉर्थ स्टार है, पहले ज़माने में क्या होता था, देखो जैसे दिन में अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें डायरेक्शन का पता चल जाता था सूरज को देख के, ठीक है। सूरज क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में राइज करता है। अब रात को अगर कहीं जाना है तो उनको डायरेक्शन का पता लगाना है, तो वो कैसे लगाते थे, वो हमेशा देखते थे ध्रुव तारे को, क्योंकि जो ध्रुव तारा है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही पाया जाता है, तो वहाँ से उन्हें पता चल जाता था कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। देखो मैंने आप सबको सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बता दिया था कि वो क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो सोलर सिस्टम है वो मिलके बना होता है सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, ये सब के सब मिलकर क्या करते हैं, सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले सन के बारे में, ठीक है। सन, सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है, सोलर सिस्टम का सेंटर है। कैसे, देखो ये जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं ये क्या करते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं, तो सन क्या हुआ, सेंटर हो गया, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, जो सन है, जो सूरज है, वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जो हाइड्रोजन है वो 70% है, एंड हीलियम 28% है, और बाकी की 2% में हमारी जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और भी बहुत अदर गैसेस हैं, वो 2% हैं। तो जो हमारा सन है वो गैसेस से मिलकर बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम।
सन क्या करता है, जो पुलिंग जो फोर्स होता है, पुली यानी कि खींचना, ठीक है, सन क्या करता है, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। अब देखो, जैसे अगर हम अर्थ पे हैं, अर्थ पे हम खड़े हैं, किस वजह से खड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो प्रोवाइड कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो किसी भी दो बॉडीज़ को अट्रैक्ट करके रखता है आपस में, ठीक है। अगर अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स ना प्रोवाइड करे तो हम क्या करेंगे, हवा में उड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो सन है वो क्या करता है, पुलिंग फोर्स क्रिएट करता है जो कि सारे जो प्लैनेट्स हैं उनको बांध के रखता है। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का, ठीक है, हमें उससे हीट और लाइट मिलती है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जो सन है उसे हम एक स्टार बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ठीक है, कमेंट में बताना। 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, जो सन है, जो ये सूरज है, इससे हमारी अर्थ की जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। अब 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लैक्स। तो अब आप सोच लीजिए कि जो सन है वो हमारी अर्थ से कितने दूर है, ठीक है। तो ये हमारा जो सन है इसके बारे में कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट एंड लिट अप बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, जो कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो कैसे चमकते हुए दिखाई देते हैं, स्टार्स की जो लाइट है उससे चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो वर्ड है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड प्लैनटाई से, मीन्स वांडरर्स, जिसका मतलब होता है वांडरर्स, मतलब कि घूमते हुए। देर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अगर सन से उनकी दूरी देखी जाए तो वो कैसे हैं, पहले जो आएगा मरकरी जो पास में है, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ठीक है। और जो ये पहले 4 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों के चारों जो प्लैनेट हैं ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये जो 4 प्लैनेट हैं ये लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। प्लैनेट्स मूव इन देयर फिक्स्ड पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स, जो प्लैनेट्स हैं वो अपने एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, पाथ यानी कि रास्ता, ठीक है, ये अपने एक, इनका एक फिक्स जो है वो रास्ता होता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, और जो प्लैनेट्स हैं वो इसी में ही घूमते हैं। डिफरेंट प्लैनेट्स टेक डिफरेंट टाइम पीरियड टू कम्प्लीट इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन, पहले हम देखते हैं रिवोल्यूशन क्या होता है। रिवोल्यूशन इज द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, एक प्लैनेट को सन के चारों ओर घूमने में, एक जो चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो जो डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइम लेते हैं, टाइम पीरियड लेते हैं टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। देखो, जो ये मरकरी वाला है, मरकरी सबसे पास में है, तो ये क्या होगा, इसका जो पाथ है वो भी छोटा होगा, रास्ता वो भी छोटा होगा, तो ये क्या करेगा, कम टाइम लेगा। वहीं पे अगर हम नेपट्यून को देखें तो ये क्या है, ये सन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इसका जो ऑर्बिट है वो ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये क्या करेगा, और भी ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। और जब भी कोई एक प्लैनेट सन के चारों ओर घूमता है, अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो उसके साथ साथ वो प्लैनेट अपने एक्सिस पे भी घूमता है। अब एक्सिस का देखो, जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ठीक है, ग्लोब में क्या होता है, जो अर्थ होती है वो एक बीच में ये लाइन होती है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है, और जो अर्थ है वो इसके चारों ओर ही घूमती है, ठीक है, तो ये क्या है, एक्सिस है। तो ऐसे ही हर प्लैनेट का अपना एक्सिस होता है, और वो जब भी सन के चारों ओर घूमता है तो वो साथ के साथ क्या करता है, अपने एक्सिस पे भी घूमता है। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि एक जो प्लैनेट है उसको अपना एक एक्सिस या फिर, और मतलब एक जो रिवोल्यूशन है वो कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। सैटेलाइट, सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव अराउंड द प्लैनेट, वो सेलेस्टियल बॉडीज जो प्लैनेट के चारों ओर घूमती हैं उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट।
मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून क्या है? अर्थ का सैटेलाइट है. जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है, वैसे ही बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उनके भी अपने सैटेलाइट हैं, यानी कि उनके भी अपने मून हैं. जैसे मरकरी और वीनस, इनका कोई मून नहीं है. अर्थ के नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 1. मार्स के नंबर ऑफ मून्स 2. जुपिटर और सैटर्न, ये जो दो प्लैनेट हैं, इनके नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 53 जुपिटर के और 53 सैटर्न के. यूरेनस के नंबर ऑफ मून कितने हैं? 27. और नेपट्यून के नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 13 हैं. द डायमीटर ऑफ द मून इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. जो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ का 1/4 है. देखो, जैसे मैं यहाँ पे अर्थ बना रही हूँ, ठीक है, ये अर्थ है, थोड़ी मतलब राउंड नहीं बनी ये शेप, ठीक है, आप देख लेना, अर्थ है, ठीक है. तो ये क्या हुआ, ये अर्थ का डायमीटर है. तो जो मून का जो डायमीटर है वो इसका 1/4 है. मान लो कि ये अर्थ का डायमीटर 100 है, ठीक है, तो मून का डायमीटर कितना हुआ? इसका 25 हुआ, ठीक है. इट इज़ 384,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. जो मून है वो हमसे 384,000 किलोमीटर दूरी पर है, और इसी वजह से ये हमें बड़ा दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू सन. सन वैसे दिखने में बड़ा है, पर वो हमें बड़ा क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इसलिए वो हमें छोटा दिखता है. जो मून है वो हमारे क्या है, थोड़ा सा पास में है, डिस्टेंस थोड़ी कम है, तो इसीलिए वो हमें बड़ा दिखता है. इट टेक्स 27 डेज टू मूव अराउंड द अर्थ. जो मून है उसका, उसको अर्थ का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? उसके चारों ओर घूमने में 27 डेज लगते हैं. पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून ऑन इट एक्सेस इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. अब देखो, ये समझाती हूँ मैं आपको. ये क्या है? अर्थ है, ठीक है. तो जो मून है उसको अर्थ का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 27 डेज का. और अपने एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे एक बार ऐसे घूमने पे भी कितना टाइम लगता है? 27 डेज का ही लगता है. इस वजह से हमें जो मून का है हमेशा सिर्फ एक ही फेस दिखाई देता है. शेडो ऑन मून सरफेस. आपको पता है जैसे हम मून को देखते हैं जब रात को, तो हमें क्या होता है, उसके ऊपर ना शेडो दिखाई देती है. वो शेडो किस चीज़ की होती है? जो माउंटेन्स होती हैं उनकी, डिप्रेशन वो वाला नहीं कि टेंशन से जो डिप्रेशन में आते हैं, ठीक है, डिप्रेशन से यानी कि खड्डे वगैरह जो हैं, जो प्लेन्स हैं, उन सब की हमें मून के ऊपर शेडो दिखाई देती है. टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि जो प्राकृतिक है, जो इंसानों ने नहीं बनाए हैं. सेकेंड है मैन मेड सैटेलाइट या फिर आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं. ये क्या होते हैं? ये इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं. सैटेलाइट का क्या यूज़ होता है? कम्युनिकेशन में, वेदर फॉरकास्टिंग में, ठीक है, वेदर को डिटेक्ट करने में कि आज बारिश होगी नहीं होगी, ठीक है, उसको ये सब चीज़ें देखने में उनका यूज़ होता है. अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानने में, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सैटेलाइट का. आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1975. आर्यभट्ट क्या है? ये फर्स्ट जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया था. और ये जो इंडिया की इसरो है, इसने 1975 में फर्स्ट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था वो कौन सा था? आर्यभट्ट था. एस्ट्रॉइड्स बिग रॉक्स विच मूव अराउंड द सन. एस्ट्रॉइड क्या होता है? बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं जो कि सन के चारों ओर घूमती हैं. देखो, मैंने आपको बताया था कि जो सन है वो पुलिंग फोर्स क्रिएट करता है जो कि पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है, ठीक है. ऐसे ही सन की जो पुलिंग फोर्स है उसी की वजह से जो एस्ट्रॉइड हैं वो भी क्या करते हैं, ऐसे सन के चारों ओर घूमते रहते हैं. Found between the orbits of Mars and Jupiter. Asteroid कहाँ पाए जाते हैं? Mars और Jupiter का जो orbit है उसके बीच में पाए जाते हैं, जिसे हम asteroid belt भी बोलते हैं. Scientists believed they are parts of a planet exploded many years back. Scientists का ऐसा मानना है कई हज़ारों करोड़ों सालों पहले बहुत सारे planets होते थे, वो फूट गए और उनके जो remains हैं वो क्या बन गए? Asteroid बन गए. अब हम पढ़ेंगे meteoroids. स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन. मेट्रॉइड्स क्या हैं? स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स हैं, मतलब ये एक स्टोन के साइज़ के भी हो सकते हैं. एस्ट्रॉइड क्या थे? बड़ी बड़ी रॉक्स थी, बड़ी बड़ी चट्टानें थी. और मेट्रॉइड्स क्या हैं? छोटे छोटे जो रॉक्स हैं वो, ठीक है. और ये क्या करते हैं? सन के चारों ओर घूमते हैं.
दीज मेट्रॉयड्स कम नियर द अर्थ एंड ड्रॉप अपॉन इट। जो ये मेट्रॉयड्स हैं ये कई बार अर्थ के पास में भी आ जाते हैं और कई बार अर्थ पे गिर भी जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। देखो पहले हम जानते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। जब भी हम किसी दो सरफेस को, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं उनका जो सरफेस है उसको आपस में स्लाइड करवाएंगे या फिर रोल करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और जहाँ फ्रिक्शन क्रिएट होता है वहाँ पे हमेशा जो हीट है वो जनरेट होती है। देखो मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ। पुराने ज़माने में जो आदिवासी जो लोग थे उनके पास आग जलाने के लिए लाइटर वगैरह नहीं थे, ठीक है, जैसे आजकल हमारे पास है। तो अब उनको खाना पकाना है तो कैसे पकाते हैं, आग तो चाहिए ना उसके लिए। वो क्या करते थे, दो स्टोन्स लेते थे, दो पत्थर लिए, उनको आपस में ऐसे रब करते थे, ठीक है। जब वो उनको रब करते थे फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे क्या होता था, हीट जनरेट होती थी और वहाँ से जो स्पार्क निकलती थी उससे वो क्या करते थे, आग जलाते थे। तो ऐसे ही जब ये मेट्रॉयड्स क्या होता है, जब आ रहे होते हैं, ठीक है, जब भी वो आ रहे होते हैं तो हमारी जो अर्थ का एटमोसफेयर है उसमें एंटर करते हैं तो एयर के फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो जल जाते हैं, ठीक है। आप जैसे बोलते हो ना कि हमें टूटता हुआ तारा दिखाई दिया, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो क्या होता है, मेट्रॉयड्स होते हैं जो फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं। और जब ये मेट्रॉयड्स धरती पे आके गिर जाते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से जलते नहीं हैं, धरती पे आके गिर जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मेट्रॉयड। अब हम पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी क्या है, अरबों जो तारे हैं उनका और जो गैस और जो डस्ट के जो क्लाउड्स हैं उनसे मिलकर बनी हुई है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, एक जो रिवर ऑफ जो लाइट है, पहले के आदमी ऐसा मानते थे कि जो रिवर ऑफ लाइट है वो आसमान में बह रही है। मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर फॉर्म यूनिवर्स। जब मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एक साथ मिल जाती हैं तो वो क्या फॉर्म करती हैं, यूनिवर्स फॉर्म करती हैं। इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ऐसे अर्थ जैसे ही और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं और अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो सारे मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का। हम कौन सी गैलेक्सी में हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में, ठीक है। और जैसे मिल्की वे गैलेक्सी जैसे ही और भी बहुत सारी गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं और जब वो सारी मिल जाती हैं तो वो क्या फॉर्म करती हैं, यूनिवर्स फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।